नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप देख रहे हैं चित्र चर्चा शो। आज मेरे साथ में जो शख्स हैं उनका नाम है दिशा पांडे, जो कि खेतड़ी से निकली हुई है और खेतड़ी अपने तांबे के लिए मशहूर है। पर इस खेतड़ी की जन्मभूमि से निकलकर आपने साउथ इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में भी, अगर मैं कहूँ तो आपने बॉलीवुड में भी 4-5 फिल्में आप कर चुके हैं, पर बेसिकली आपका फोकस अभी साउथ फिल्मों की ओर है। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम, अभी मैं देख रहा था जब आपके बारे में रिसर्च हो रहा था कि आपका नाम जो दिशा पांडे, कई फिल्मों में देखा कि आपका जो कैरेक्टर का नाम है वो भी दिशा ही है। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि आपका नाम दिशा ही था या फिर आपने फिल्मों में आने के बाद में, या एक तरीके से जिस तरह से मिथ्स चलते हैं कि नाम चलाने के लिए नाम रखा जाता है, तो वैसा कुछ है? नहीं, मेरा नाम दिशा ही था और कई सारे मेरे डायरेक्टर्स जो थे उनको मेरा नाम छोटा लगता था, तो उनका स्क्रीन टाइम सेव हो जाता था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम दिशा ही रहने देते थे। अच्छा, अभी आप राजस्थान से हैं। राजस्थानी कल्चर अगर देखा जाए तो काफ़ी रिच है। राजस्थान में आप पहनावे से लेकर खान पान या आर्किटेक्ट देख लीजिए, हर चीज़ में भरपूर है। और साउथ अगर अपन मूव करते हैं तो साउथ उतना ही सिंपल है, साउथ में हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके किया जाता है। तो आप कितना डिफ्रेंशिएट महसूस करती हैं जब आप यहाँ से साउथ मूव होती हैं या साउथ से राजस्थान मूव होती हैं? मैं डिफ्रेंशिएट करती ही नहीं हूँ। आई थिंक आई बिलोंग टू इंडिया बिकॉज आई लिव्ड इन साउथ, आई लिव्ड इन दिल्ली। आई थिंक आई कंसिडर एवरी थिंग वन, आई बिलोंग टू इंडिया, दैट्स इट। आपके इतने फटाफट वन लाइनर आ रहे हैं ना, थोड़ा सा हम लोग ना डिटेल में जाना चाह रहे हैं। तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो एजुकेशन है और किस तरीके से फिल्म की तरफ जाना हुआ वो एक बार बताएं। तो मेरा मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे कहा व्हाई डोंट यू डू दिस एड फॉर मी, वन ऑफ माय फ्रेंड। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ। फिर उन्हीं डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई, वो मेरा फर्स्ट तमिल पड़म मूवी थी, उनके साथ मैंने काम किया एंड देन फ्रॉम देयर आई गॉट ऑफर्स। तो अभी मैंने जो रिसर्च किया उसमें आपने 4 भाषाओं में काम किया, तमिल, तेलुगू, हिंदी इटसेल्फ आप कर ही रहे हैं, कन्नड़ भी आई थिंक आपने अभी रिसेंटली डेब्यू किया था। तो चारों भाषाओं में कितना अंतर आता है, या फिर आप एक्टिंग करती हैं और फिर दूसरा लैंग्वेज के लिए कोई और अदर आर्टिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है? तो बेसिकली एक्टिंग करते टाइम व्हेन यू लर्न द डायलॉग्स, बिकॉज आल्सो बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस सो मेनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ, सो नाउ आई अंडरस्टैंड तमिल, तेलुगु, कन्नडा, हिंदी, ऑल 4 लैंग्वेजेस, विच एवर लैंग्वेज आई हैव वर्कड इन आई हैव लर्न दैट लैंग्वेज। बट ऑफकोर्स फॉर द कैरेक्टर दे नीड अ काइंड ऑफ स्लैंग, सो फॉर दैट स्लैंग दे नीड डबिंग आर्टिस्ट, बट आई लर्न माई लैंग्वेजेस। Okay. और अभी आप जो काम कर रही हैं, तो अभी तक का आपसे सबसे खुशनुमा अगर पल कहें, आप इतने लंबे समय से हैं, हालांकि जो पहला प्रोजेक्ट होता है वही सबसे ज़्यादा खुशी देता है, पर फिर भी अगर कहें कि एक आपने जब स्टार्ट किया, डेब्यूट किया, उसके बाद में कुछ ऐसा आता है कि जो ऐसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोजेक्ट होता है वो आप चूज़ नहीं करते, उसके लिए आपको चूज़ किया जाता है ना, पर उसके बाद फिर आपकी चूजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो आपने मन से चूज़ किया और फिर वो आपको मिल भी गया हो? इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों का अलग अलग आंसर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि मेरा फर्स्ट, मतलब कि मुझे कैसा, मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट, राइट? तो एवरी मॉर्निंग आई वेक अप आई एम हैप्पी। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज खुश नहीं हूँ या कोई मुझे मोमेंट चाहिए खुश रहने के लिए। और दूसरी चीज़, मेरी हर मूवी मुझे पसंद है, मुझे कैमरा पसंद है बेसिकली, तो कैमरा कीप्स मी हैप्पी एंड इन दैट वे एवरी टाइम आई एम वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज आई एम वर्किंग एज इफ इट्स माई फर्स्ट फिल्म। आपने अभी जब जवाब दिया कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं हैप्पीली फील करती हूँ, मैंने राकेश बेदी जी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि अगर आपके पैर ज़मीन पे टिके हुए हैं जब आप उठ रहे हो, और पैर ज़मीन पे, इसका मतलब कि आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसानों की जिंदा हो, क्योंकि उस समय जब हमने इंटरव्यू किया उनका तो वो कोविड पैनडेमिक चल रहा था और उनका खुद की, उनकी जो मदर इन लॉ थी उनका भी लॉस हो गया था, तो वो काफ़ी सिचुएशन वैसी थी। आपने कोविड टाइम में जो पिछले 2-2.5 साल हैं इसमें साउथ में या नॉर्थ में अपन जब मूव करते हैं तो काफ़ी पेन एरिया अलग अलग हो जाता है लोगों का, है ना, पेन एरिया है ना, क्योंकि यहाँ के लोगों की अलग मुश्किलें हैं, साउथ के लोगों की अलग मुश्किलें हैं, और आप दोनों ही कल्चर से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो आपके लिए क्या बेटर रहता है, यहाँ राजस्थानी जो आपका घर है जहाँ आपकी फैमिली है, या वो जो आपकी कर्म भूमि है जहाँ आप इतना नाम और शोहरत कमा रहे हैं? मैं दोनों को एक ही मानती हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं साउथ नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट कुछ मानती ही नहीं हूँ. आई कंसीडर द होल जो हमारा मैप है इंडिया का, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ सेम. इफ़ यू सी फॉर मी कल्चर इज़ हाउ पीपल आर बिहेविंग विद ईच अदर. मेरे लिए दोनों साउथ में सेम बिहेवियर है लोगों का, नॉर्थ में सेम बिहेवियर है, एवरीबडी लव्स ईच अदर. तो मुझे लगता है इट्स ऑल सेम. आई थिंक वी शुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ. वी शुड कीप इट एज इंडिया एंड इंडियन, एंड इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, राइट? तो फिर हम क्यों इतना प्रेशर डालें उस चीज़ पे कि साउथ में कैसा नॉर्थ में. आई थिंक इट्स ऑल सेम. आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एवरीवेयर इन इंडिया, एंड इट्स ऑल सेम फॉर मी. अच्छा, अभी आप राजस्थानी वेशभूषा में हैं और हमने देखा है कि राजस्थानी सिनेमा जो है वो लगभग 30 साल पहले थोड़ा रिच था. अभी लास्ट काफ़ी टाइम से कुछ लोगों ने, जैसे गुफी पेंटल साहब ने 3-4 फिल्में बनाई, उन्होंने कोशिश की, है ना, मालू साहब ने भी फिल्में अनाउंस की पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. तो आपका राजस्थानी भाषा में जो फिल्में हैं, जो राजस्थानी इंडस्ट्री है, उसको लेकर आपका क्या है, और या आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, या आप खुद कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हैं कि चलो ठीक है राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थानी मूवीज़ के लिए, राजस्थानी सिनेमा के लिए कुछ किया जाए? मैं चाहती ज़रूर हूँ कि मैं कोई राजस्थानी फिल्म करूँ अच्छी सी. अगर मेरे पास ऑफ़र आएगा मैं बिल्कुल करूँगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए, और हम खुशनसीब महसूस करते हैं अपने आप को जब आप जैसे आर्टिस्ट अपने घर आते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो अपने शहर को, अपनी मिट्टी को छोड़ जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फिर से उसकी सुगंध लेने के लिए, एनर्जी फील करने के लिए, अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए अपनी मिट्टी की तरफ आते हैं. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके परिवार के साथ हमने आपका जुड़ाव देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि आजकल लोग अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से थोड़ा कट के रहते हैं कि वो शायद हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग को ना समझें ड्यू टू जनरेशन गैप, बट आप उस चीज़ को बखूबी साथ में लेकर चल रही हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित चर्चा शो की तरफ से, और चित चर्चा शो के दर्शकों को आपके मुखारविंद से कुछ शब्द जो आप उन्हें प्रेरणा के रूप में देना चाहें. बस सब खुश रहिए और मज़े करिए. धन्यवाद.